बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूं कि देखिए इस समय बहुत सारे एग्जिट पोल्स आएंगे और ज्यादातर एग्जिट पोल्स को पे किया जा रहा है कि ताकि वो बीजेपी को अपराजित दिखाया जा सके। लेकिन दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पॉइंट बाय पॉइंट बताता जा रहा हूं। एक, कांग्रेस को अब प्रादेशिक राजनीति से ज्यादा अब अलायंस की राजनीति में थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, तब जाके ये पता चलेगा कि अलायंस की राजनीति कितना मजबूत हो पा रही है। इंडिया अलायंस उससे ज्यादा मजबूत होगा क्योंकि कांग्रेस इसमें अग्रणी रह रही है, उससे किसी को इनकार नहीं। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का मजबूत होना ये बहुत ज्यादा अनिवार्य है, और यहाँ पे कुछ घटक दल जो इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंचा सकती है, बसपा जैसे लोग जो कि उनको पता है कि उनका अभी तक खाता तक खुलना मुश्किल है, लेकिन हाँ वो अपने तरीके से भाजपा को हमेशा भाई फायदा पहुंचाती रही है। तो ये सब ये छोटे छोटे पॉइंट इनको बहुत ज्यादा फर्क करेंगे। और तीसरी बहुत अहम चीज, यहाँ पे योगी वर्सेस मोदी का जो लड़ाई है वो भी इस इलेक्शन में दिखेगा, क्योंकि इस समय मोदी जी भी कहीं ना कहीं अंदर से चाह रहे हैं कि योगी का इस समय प्रदेश में कमजोर होना उनकी छवि के लिए अनिवार्य है, तभी मोदी मोदी बन रह पाएंगे। नहीं तो कल के दिन में यही प्रधानमंत्री मोदी का जो अनबायस्ड एक ब्रांड है वो ब्रांड इमेज को खतरा है। जी विनोद जी, तो जो बात शुभांकर का जो ऑब्जर्वेशन है उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए यही पूछ रही हूँ कि जो जिस तरीके का कंपटीशन योगी और मोदी जी में है, तो क्या मोदी जी इस बात को इंश्योर करेंगे?